नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडम का सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो अपने आप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडम आयोडीन के सिम्टम। आयोडम औषधि का प्रयोग कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस औषधि का उपयोग रोगी व्यक्ति में तीव्र चयापचय रैपिड मेटाबॉलिज्म अर्थात भोजन को पचाने की क्रिया को ठीक करने, भोजन करने के बाद भी शरीर में अन्न का न लगना और कमजोरी और दुर्बलता उत्पन्न होना आदि रोगों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, अधिक कमजोरी तथा हल्की मेहनत करने से ही अधिक थकान व पसीना आना जैसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आयोडम औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस औषधि का प्रयोग से रोगों के लक्षण दूर होकर रोग समाप्त होता है। आयोडम औषधि का प्रयोग कमजोर, दुर्बल, जिसके चेहरे का रंग सांवला हो, अधिक भूख लगना तथा लसिका ग्रंथियाँ बढ़ी हुई और क्षय से संबंधित लक्षण आदि को दूर करने के लिए किया जाता है। आयोडम औषधि का प्रभाव विशेष रूप से सभी ग्रंथियों की रचनाओं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, सांस नली, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तथा संचार जाल, सर्कुलेटरी सिस्टम्स पर पड़ता है। आयोडम औषधि खून में मौजूद वेद कणों को एकत्रित करके शरीर में रोगों से लड़ने वाली जीवन शक्ति को बढ़ाती है, जिसके कारण रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु नष्ट होते हैं और रोगी के शरीर में जीवनी शक्ति बढ़ती है। सीसज विषन्नता, शारीरिक कंपन तथा ठंडी हवा की अधिक इच्छा करना आदि लक्षणों में आयोडम औषधि का प्रयोग करना लाभकारी रहता है। यदि किसी रोगी को अधिक प्यास से जलन महसूस होने के कारण उसको उत्तेजना पैदा होती है तो उसे यह औषधि देना लाभकारी होता है। इस औषधि के प्रयोग से विरूपक जोड़ों की सूजन तथा ऊतकों की जोड़ों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस औषधि का प्रयोग अन्य रोगों से संबंधित लक्षण जैसे प्लेग, गलगंड, गाइटर, अस्वाभाविक वायु का संकीर्णन, केशिका रक्त संचलन, कैपिलरी कॉन्गेशन, खून का बहना तथा पोषण दोषों व विकारों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इस औषधि का प्रयोग अन्य रोगों से संबंधित लक्षण जैसे प्लेग, गलगंड, गाइटर, अस्वाभाविक वाहिका संकीर्णन, केशिका रक्त संलयन, कैपिलरी कॉन्गेशन, खून का बहना तथा पोषण दोषों व विकारों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में जैव प्रक्रिया मंद गति से होने के कारण उस व्यक्ति के शरीर में असंख्य रूपों में रोग के पुराने लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे में रोगी को आयोडम औषधि देने से रोग से संबंधित लक्षण ठीक होते हैं तथा शरीर में रोग पैदा करने वाले जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। सभी शल्य कलाओं के लिए के नए प्रतिशय पौष्टिक भोजन करने के बाद भी शरीर कमजोर और पतला होते जाना, ग्रंथियों का सूखना तथा रोगी में असंख्य क्षय, टीबी जनित रोग तथा गले की गांठ आदि से पीड़ित रोगियों के लिए किया जाता है। तेजी से होने वाला निमोनिया, आयोडीन रोग जो ताप प्रधान होता है तथा रोगी को ठंडी वातावरण अच्छी लगती है, रोगी में उत्पन्न कमजोरी तथा हल्की सूचाई पर चढ़ने से ही दम फूलने लगता है, ऐसे लक्षणों में आयोडम औषधि का प्रयोग अत्यंत लाभकारी रहता है। ग्रंथियों की सूजन तथा रेंगने वाले सांप द्वारा काटने पर काटे हुए स्थान पर आयोडम औषधि का मुराक लगाना चाहिए। इस औषधि का सेवन भी करना चाहिए। ग्रंथियों की सूजन तथा रेंगने वाले सांप द्वारा काटने पर काटे हुए स्थान पर आयोडम औषधि की मुराक लगाना चाहिए और इस औषधि का सेवन भी करना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर आयोडम औषधि का उपयोग, जैसे मानसिकता से संबंधित लक्षण, रोगी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण रोगी में अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे रोगी में चिड़चिड़ापन आ जाना और साथ ही शांत रहने के कारण रोगी में स्वयं के लिए हीन भावना पैदा होना,
रोगी को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती तथा वे अपने कार्य व अन्य मानसिक विचारों में ही खोया रहता है। रोगी की मानसिकता ऐसी हो जाती है जैसे वह कहीं भाग जाना चाहता है, और साथ ही रोगी के अंदर मारने काटने व हिंसा आदि की भावना पैदा होती रहती है। रोगी हर बात को भूल जाता है तथा वह हर समय व्यस्त रहना चाहता है। लोगों से मिलने, बात करने तथा किसी नए स्थान पर जाने से डरता रहता है। रोगी में पागलपन व आत्महत्या करने जैसे स्वभाव उत्पन्न होते हैं। इस तरह के मानसिक रोग संबंधी लक्षणों में ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए आर्णव औषधि का प्रयोग करने से यह औषधि रोगी में तेजी से क्रिया करके रोगों को ठीक करता है। सिर से संबंधित लक्षण। यदि किसी रोगी के सिर में जलन के साथ दर्द होता है, सिर में खून का तेज दौरा पड़ता है तथा सिर में कठोर पट्टी बांधने जैसा महसूस होता है, तो रोगी में उत्पन्न ऐसे लक्षणों को दूर करने के लिए आयोडीन औषधि का सेवन कराना चाहिए। रोगी में सिर रोग से संबंधित ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसमें रोगी के सिर में चक्कर आता है तथा झुकने तथा कमरे में जाने से सिर चक्राना बढ़ जाता है। ऐसे लक्षणों के लिए रोगी को आयोडीन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बुढ़ापे के कारण उत्पन्न होने वाले पुराने रोग तथा सिर में खून का तेज दौरा पड़ने जैसे लक्षणों में आयोडीन औषधि का प्रयोग लाभकारी रहता है। आंखों से संबंधित लक्षण, रोगी में ऐसे लक्षण जिसमें रोगी की आंखों से अधिक आंसू आते हैं, आंखों में दर्द होता रहता है, आंखों की पुतलियां अधिक फैल जाती है, नेत्र गोलक लगातार घूमते हुए महसूस होते रहते हैं तथा आंखों में आंसू डालने वाली कोशिकाएं सूज जाती है। इस तरह आंखों संबंधित कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर आयोडीन औषधि का सेवन करना काफी लाभकारी रहता है। नाक से संबंधित विभिन्न लक्षण जैसे अधिक आना, सूखा नजला तथा खुली हवा में नजला का स्राव होना, अकस्मात उत्पन्न होने वाला बुखार, रोगी के नाक से गर्म नजला का स्राव होना तथा नजला स्राव होने के साथ रोगी का शरीर गर्म रहना, नाक की जड़ तथा नाक के अगले भाग में दर्द होता है, नाक बंद रहता है, रोगी में घाव उत्पन्न होने के लक्षण दिखाई देते हैं, रोगी को गंध का पता नहीं चलता, नाक से खून का गिरना जिसका संबंध उच्च रक्तचाप से रहता है। नाक से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण रोगी में नजर आए तो रोगी को ठीक करने के लिए आयोडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। सांस संस्थान से संबंधित लक्षण, रोगी की आवाज़ खराब हो गई हो, रोगी के गले में कच्चापन और गुदगुदी महसूस होती है तथा गुदगुदी के कारण रोगी में खांसी उत्पन्न होती है, स्वर यंत्र में दर्द रहता है, स्वर यंत्र सूज जाने के कारण तेज दर्द होता है और गले में खुदरापन महसूस होता है जो खांसते समय और अधिक हो जाता है। ऐसे लक्षणों में रोगी को आयोडीन औषधि का सेवन करना चाहिए। शरीर के दाएं भाग में निमोनिया के साथ तेज बुखार उत्पन्न होना, रोगी को सांस लेने में परेशानी तथा छाती कठिनाई के साथ फैलना, बलगम के साथ खून आना, रोगी को अपने शरीर के अंदर सूखी गर्मी महसूस होना तथा बाहरी अंगों में ठंडक महसूस होना, हृदय की धड़कन का तेज हो जाना, निमोनिया रोग, रोगी में बुखार होने के साथ जिगर तेजी के साथ फैलना तथा अधिक पीड़ा होने पर भी दर्द न होना तथा गर्मी के कारण रोग का बढ़ जाना आदि लक्षणों से पीड़ित रोगी को आयोडीन औषधि का सेवन कराना लाभकारी रहता है। गले में गांठे होने के साथ बच्चों में होने वाली क्रूप खांसी, सांस अंदर लेने पर कठिनाई होती है, सुबह के समय होने वाली सूखी खांसी जो स्वर यंत्र में गुदगुदी होने के कारण शुरू होती है, सुबह के समय होने वाली सूखी खांसी जो स्वर यंत्र में गुदगुदी होने के कारण शुरू होती है, क्रूप खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई तथा रोगी के गले से सांस आए की आवाज़ निकलना, सिर में ठंड लगने के कारण ठंड सिर से होते हुए सांस अंग तक फैल जाना, रोगी की छाती के आसपास से भारी कमजोरी महसूस होती है तथा हल्के कार्य करने पर भी धड़कन तेज होने के साथ थकान होती है, सद्रव
फुफ्फुस वारण की सूजन पूरी छाती में गुदगुदी महसूस होती है, रोगी उत्पन्न आयोडीन की खांसी, आयोडीन की खांसी जो कमरे के अंदर रहने गर्मी में तथा गर्म वर्ष में वर्षा भीगने और पीठ के बल लेटने से बढ़ता है। सांस संस्थान से संबंधित इन सभी लक्षणों में से किसी भी लक्षण से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए आयोडीन मंत्री का सेवन करना लाभकारी रहता है। इस औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप यह सांस संस्थान संबंधित रोगों को तेजी से क्रिया करती है और रोग से संबंधित लक्षणों को ठीक करती है। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय से संबंधित लक्षण, रोगी के हृदय के चारों ओर दर्द और कपकपाहट महसूस होने के साथ ऐसा महसूस होता है कि कोई सख्त वस्तु से उसकी हृदय को निचोड़ा जा रहा है। इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने के साथ रोगी में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं कमजोरी और बेहोशी उत्पन्न होती है। हृदय की धड़कन कम होना, हृदय क्षिप्रता, टैकेरिया और लक्षण उत्पन्न होता है। इस तरह के हृदय से संबंधित लक्षणों को दूर करने के लिए रोगी को आयोडीन देने से रोग ठीक होता है। मुंह से संबंधित लक्षण, रोगी के मसूड़े ढीले पड़ जाने के कारण मसूड़ों से खून का आना, मुंह से बदबूदार स्राव होने के साथ अधिक लार का आना तथा मुंह के छालों से बदबू आना, गले की टॉन्सिल का बढ़ जाना, मुंह से अधिक मात्रा में दुर्गंधित लार का बहना, जीभ पर मोटी पपड़ी जम जाना। इस तरह के मुंह से संबंधित लक्षणों को ठीक करने के लिए आयोडीन मंत्री का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। गले से संबंधित लक्षण, रोगी के गले में स्वर यंत्र शिकुरा हुआ सा महसूस होता है। कान के रोग के कारण उत्पन्न होने वाला बहरापन, गला सूजकर मोटा होने के साथ गले में सिकुड़न महसूस होना, अवहनु ग्रंथियां सूजी हुई तथा काकलक सूजा हुआ रहना आदि लक्षण। इस तरह के लक्षणों को दूर करने के लिए रोगी को आयोडीन देने से रोग ठीक होता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, आमाशय रोगग्रस्त होने के साथ रोगी में ऐसे लक्षण जिसमें रोगी के पेट की परत के अंदर जलन महसूस होती है, रोगी को अधिक भूख और प्यास लगती है, सूखी डकारें आती हैं तथा ऐसा महसूस होता है मानो खाया हुआ पदार्थ गैस में बदल गया है। यदि रोगी भोजन न करे तो बेचैन उतावला हो जाता है। भोजन करने के बाद भी रोगी की शारीरिक शक्ति कम होती रहती है होती जाती है भोजन करने के बाद भी रोगी की शारीरिक शक्ति कम होती जाती है और रोगी दुबला और पतला होता जाता है। रोगी की शारीरिक क्रिया ऐसी हो जाती है मानो अच्छा और पौष्टिक भोजन करने के बाद भी रोगी को अन्न नहीं लग रहा हो। इस तरह के आमाशय से संबंधित लक्षणों में से कोई भी लक्षण से रोगग्रस्त होने पर रोगी को आयोडीन देनी चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से आमाशय क्रिया ठीक तरह से करता है और रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षण को दूर होता है। पेट से संबंधित लक्षण, यदि किसी व्यक्ति के जिगर और प्लीहा में तेज दर्द होता है, पेट में दर्द और पेट फैलता रहता है, रोगी को पीलिया रोग हो जाता है, हाथों की ग्रंथियां बढ़ गई हों, रोगी को क्रेम ग्रंथि का रोग हो गया है, पेट के अंदर काटता हुआ दर्द होता है, इस तरह के लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए आयोडीन मंत्र का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। त्वचा से संबंधित लक्षण, यदि त्वचा रोगग्रस्त होने के साथ त्वचा गर्म, खुश्क, पीली और सिकुड़ गई है, त्वचा की ग्रंथियां बढ़ गई हों, त्वचा में गांठें पड़ गई हों, हृदय रोगग्रस्त होने के कारण त्वचा में पानी भर गया हो, ऐसे लक्षण से ग्रस्त होने पर आयोडीन मंत्र का प्रयोग लाभकारी रहता है। मल से संबंधित लक्षण, जिस व्यक्ति को मल त्याग करते समय मल के साथ खून आता है, रोगी को ऐसा दस्त आते हैं जिसके दस्त के साथ सफ़ेद झागदार व चर्बीदार पदार्थ आता है, दस्त आना बंद हो गया है जिसके कारण श्वास के समय अधिक प्रयास करने के बाद भी मल त्याग नहीं होता
और रोगी को ठंडा दूध पीने से आराम मिलता है, रोगी को ठंडा दूध पीने से आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों में एडामोजी का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। बुखार से संबंधित लक्षण, बुखार फीवर, रोगी को अपने पूरे शरीर में तेज गर्मी महसूस होती है। तेज बुखार के कारण रोगी बेचैन, रोगी का गाल लाल तथा खून सूखने के साथ अधिक पसीना आना, आदि बुखार में उत्पन्न होने वाले लक्षणों में एडामोजी का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। मूत्र रोग, मूत्र रोग से संबंधित लक्षण, मूत्र से संबंधित विभिन्न लक्षण जैसे बार बार पेशाब का आना, अधिक मात्रा में पेशाब आना, पेशाब गहरे रंग का पीला हरा व गाढ़ा होना, पेशाब तेजाब की तरह तीखा होने के साथ पेशाब में चिकने पदार्थ का आना, इस तरह के मूत्र रोगों से संबंधित लक्षणों में लक्षणों से ग्रस्त रोगी को एडामोजी का प्रयोग करना चाहिए। निमोनिया रोग से ग्रस्त रोगी की आंखें और बाल काले होते हैं, गिल्टियां बहुत अधिक निकलती हैं, रोगी व्यक्ति को अधिक कमजोरी महसूस होने के साथ शरीर में दुर्बलता आ जाती है, रोगी के अंदर टीस मारता हुआ दर्द होता है तथा रोगी को ऐसा महसूस होता है मानो फेफड़ों में बैठा हुआ बलगम न तो निकल रहा है और न ही सूख रहा है तथा अच्छे भोजन करने पर भी रोगी का शरीर मोटा नहीं होता और उसमें दिन प्रतिदिन कमजोरी आती जाती है। रोगी में ऐसे लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को एडामोजी का सेवन कराना चाहिए। घेघा रोग, काले बाल के मनुष्य जिनको घेघा रोग हो गया हो, उनके गले का सख्त घेघा रोग एडामोजी से दूर होता है। भूरे रंग के मनुष्य का घेघा रोग में रोगी को ब्रोमियम औषधि का प्रयोग लाभ करता है। भूरे रंग के मनुष्य का घेघा रोग में रोगी को ब्रोमियम औषधि का प्रयोग से लाभ मिलता है। पुरुष रोग संबंधित लक्षण, पुरुष रोग, अंडकोश की सूजन व कठोर होना, अंडकोश में पानी का भरना हाइड्रोसिल, काम शक्ति कम होने के साथ अंडकोश का सूख जाना आदि लक्षणों में संबंधित रोगों में एडामोजी का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। स्त्री रोग संबंधित लक्षण, स्त्री रोग, मासिक धर्म के समय स्त्री में कमजोरी आना, मासिक धर्म समय से पहले या बाद में आना, गर्भाशय की झिल्ली से खून का निकलना, डिम्बाशय की सूजन, डिम्बाशय से लेकर जलायु तक सुई के चुभने जैसा दर्द होना, अस्थनों की ग्रंथियां सिकुड़ जाना, अस्थनों की त्वचा पर गांठें पड़ जाना, योनि से तेजाब की तरह तीखा गाढ़ा पदार्थ स्राव होने के साथ स्राव चिपचिपा होना जिसके लगने से कपड़े में छेद हो सकता है तथा दाएं डिंब प्रदेश में चुभने वाला दर्द होना। स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों से ग्रस्त होने पर उसे ठीक करने के लिए एडामोजी देनी चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों संबंधित लक्षण, यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में जलन होती है तथा रात को हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों वाले स्थान पर सफ़ेद रंग की सूजन आ गई हो, सुजाकीय आमवाती गठिया से संबंधित लक्षण उत्पन्न होना, गर्दन की जोड़ तथा ऊपरी भागों का आमवाती यानी गठिया रोग, रोगी के हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, पैरों से तीखा व बदबूदार पसीना आता है, बड़ी धमनी में जलन व दर्द होता है, रोगी में उत्पन्न होने वाले गठिया वाली दर्द तथा जोड़ों का दर्द दुराते बढ़ जाता है तथा उनमें सिकुड़न महसूस होता है। इस प्रकार के शरीर के बाहरी अंगों संबंधित लक्षणों पीड़ित रोगी के रोग को दूर करने के लिए एडामोजी का प्रयोग करना चाहिए। यह औषधि रोग में तेजी से क्रिया करती है। वृद्धि, चलने से, सिर को ढकने से तथा सिर पर कुछ रखने से रोग बढ़ता है। श्रवण, क्षतिग्रस्त भाग पर ठंडी हवा लगने से तथा ठंडे पानी से धोने से रोग में आराम मिलता है। तुलना, एडामोजी की तुलना ब्रोमी हीपर मर्क्यूरियस फास्फो एब्रोट एब्रोटी नेट्रम्यूरी सैनिक्यू तथा ट्यूबर से की जाती है। प्रतिविष, हीपर सल्फ गैसियोला आदि औषधियों का प्रयोग एडामोजी के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। पूरक, लाइकोपोडियम बैडियागा औषधि एडामोजी का पूरक है। मात्रा, एडामोजी की 3 से 30 शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
एडम अधि का प्रयोग घोल के रूप में करने से औषधि के कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेटम का आयोडीकृत घोल को 28 मिलीटर पानी से मिलाकर 2.08 ग्राम पोटास और 0.26 ग्राम आयोडीन के साथ मिलाकर 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से पेट के कीड़े मरकर मलद्वार से बाहर निकल जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।